अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें सिर्फ और सिर्फ उस राधा की जान लेनी है, बस। मिल जाएगी मम्मा, बस निशाना ना सही जगह पर लगाना होगा। राधा मोहन के रिश्ते के डोर ना गुनगुन है, इसलिए इस बार हम गुनगुन की जान नहीं लेंगे बल्कि राधा और गुनगुन के रिश्ते की जान लेंगे। पागल हो गई क्या? गुनगुन राधा को अपना भगवान मानती है, वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगी बिटिया, चाहे कोई कुछ भी करे, वो उसके खिलाफ नहीं जाएगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और एक बात सोचो कि अगर तुलसी ने खुद कहा तब भी नहीं। लो मम्मा, आ गई तुलसी की माँ अपनी प्यारी बेटी से बात करने। अरे माँ जी, आप इतने दिनों बाद कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? खुश रहो। बिल्कुल ठीक। माँ आप, नानी हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे विश करने में मैं एक दिन लेट हो गई। हैप्पी बर्थडे। ये है तेरा प्लान? ये गुनगुन की नानी, ये तो पहले से राधा की पार्टी में है और राधा को अपनी बेटी मान चुकी है। ये तो ना चोटी लाएगी और ना ही उसकी जान। ये नहीं मम्मा, तुलसी लाएगी। ऐसे आप बस देखती जाओ। नमस्ते। लगता है आप अभी मुझे नाराज हैं। मुझे लगा था हमारी हेयर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। इतने सारे गिफ्ट मेरे लिए? हाँ बेटा, पर इन भाई साहब को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हवन की मदद कर देते हैं। बहुत भारी है। कंस मामा, हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मोहन, मोहन जी, ये माँ जी के साथ गुनगुन को बधाई देने आए हैं। मोहन जी हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? आज के लिए सह लीजिए। आइए माँ जी। आइए, आइए माँ जी। आइए साले साहब। कभी कभी हमें इस बात पर शक होता है बिटिया कि तू सच में हमारी बिटिया है क्या? अरे तुम्हारे इतने खराब दिन आ गए हैं, तुमने ये हारे हुए घोड़ों पर अपना दांव लगा दिया। हाँ? एक तो वो गुनगुन की नानी,
जो पहले से राधा की परम भक्त है, और वो गुनगुन का मामा, वो तो अपने मुंह से इतनी बार मार खा चुका है कि हमेशा घबराया घबराया हुआ घूमता है। ये हमारी नैया पार लगाएगी क्या? पर मम्मा ना, उन पर नहीं, तुलसी पर लगाया। ये प्रभु, हमारे तो ये समझ भी नहीं आता है बेटिया कि तुलसी तो मर चुकी है, और आज की तारीख में उसकी आत्मा ही हमारा वो नंबर वन दुश्मन है। वो कैसे हमारी मदद करेगी? ऐसे गोल गोल बातें मत करा, सीधा सीधा हमें ये बता कि तुम्हारा प्लान क्या है। पेशेंस रखो ना मम्मा, थोड़ा सा पेशेंस, सब पता चल जाएगा आपको। नर्मदा बहन जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे, खास करके हमारी बेटी राधा। राधा की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। अब राधा हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। और वो बिल्कुल ठीक है, हम हैं ना उसके लिए। जी आइए आइए ना, दुलारी खाने पीने का इंतजाम कर। जी ठीक तो हो ना बेटा? जी माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है। लो राधा बेटा, कभी कभी तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम जैसी फूल सी बच्ची इन कांटों के बीच में फंस गई है। काटा? मैं काटा हूँ। अरे माँ जी, मुझे काटे क्यों बुला रही? सहन कर लीजिए ना, बस थोड़ी देर सहन कर लीजिए। आज तो नानी पापा की बैंड बजाने आई है। आ जाओ माजी, ये लीजिए। थैंक यू। तुम यहाँ बैठो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।